बचपन से ही मेरी दोस्ती कॉमिक्स के साथ थी। स्कूल के बुक्स बोरिंग लगते थे और पेपर में छपी हुई बड़े बड़े कार्टून कैरेक्टर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। टिनटिन ये एक हॉट फेवरेट था। ये वो कैरेक्टर था जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से 16 साल पहले चांद घूम आया था। जिनजे शायद नहीं पहचानेंगे, बट द टिनटिन कॉमिक वर ए कल्ट। दे हैव कंप्लीटेड 95 ईयर्स एंड टूडे दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटेड कॉमिक इन द वर्ल्ड। टिनटिन द डिटेक्टिव अलॉन्ग विद द डॉग स्नोई ने अपना छाप हर जगह छोड़ा, इवन बॉलीवुड में भी। वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी ए के ए अर्ज इन द ईयर 1929। और इनके कॉमिक्स ने इंडिया के बहुत चक्कर लगाए थे। सिगार ऑफ द फैरो में टिंट ने पहली बार इंडिया को एक्सप्लोर किया था। वे टिंट इन तिब्बत में दिल्ली के रेड फोर्ट भी घूमे थे। और इन 1953 टिंट वर सॉल्विंग मिस्ट्रीज ऑन द मून। बंगाल में टिंट को कल्ट स्टेटस भी मिला है, जहाँ के घरों में आज भी इनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। सत्यजीत रे द लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर ने अपने डिटेक्टिव सीरीज डिटेक्टिव फालूदा में टिंट को इनकॉर्पोरेट भी किया था। और तो और, रणवीर कपूर का हेयर स्टाइल याद है आपको, उनकी मूवी जग्गा जासूस का? खैर वो तो कोइंसिडेंस था, बट उस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु टिंट के बहुत बड़े फैन थे। कॉमिक्स की दुनिया में घूमने का मज़ा ही कुछ और है, पर आज अफसोस है कि हम लोग रील्स के चक्कर काटते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कॉमिक्स कौन सा है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें कमेंट में, शेयर करें। थैंक यू।